जय हिंद दोस्तों। देख आपका 69th BPSC का आपका एग्ज़ाम डेट आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी आपका 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। 30 सितंबर को आपका 69th BPSC का एग्ज़ाम है, तो यानी आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप आज से आपका यानी करेंट अफेयर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका BPSC एग्ज़ाम आपका करेंट अफेयर का सबसे अधिक वेटेज रहता है। लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपका करेंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इसमें आपका बिहार करेंट अफेयर से भी प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं, आपका बिहार करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। यह आपका KBC 9, ध्यान दीजिए, KBC 9 का बिहार करेंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, KBC 9 में आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न को सेट किया गया है, और आपका BPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं, और आपका साथ ही साथ आपका इसका जितने भी आपका बिहार करेंट अफेयर है आपका टॉपिक वाइज आपको कवर करवाएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है, टॉपिक वाइज भी इसे हम कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 13 जनवरी 2023 को बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? कि PK शाही को बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किया है। देखिए, PK शाही आपका बिहार के पूर्व, ध्यान दीजिए, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, यानी ये शिक्षा मंत्री भी बिहार में रह चुके हैं, और आपका ये बिहार के पूर्व आपका महाधिवक्ता भी है, यानी इससे पहले भी वो बिहार के यानी महाधिवक्ता बन चुका था। कब? तो 2005 से 2010 में बिहार के महाधिवक्ता एक बार रह चुका है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और ये आपका पूर्व यानी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, PK शाही, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता शरद यादव का निधन हो गया। वे प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने गए थे? तो वो प्रथम बार मध्य प्रदेश से यानी लोकसभा चुनाव में वो यानी चुने गए थे, ऑप्शन आपका ये होगा। ये याद रखिएगा, यानी 1974 में प्रथम बार आपका यानी लोकसभा का सदस्य बना था मध्य प्रदेश से, 1974 में प्रथम बार लोकसभा का सदस्य बना था, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है कि शरद यादव इनमें से किस राज्य से लोकसभा सदस्य नहीं चुने गए थे? देखिए आपका, यह मध्य प्रदेश से भी लोकसभा का सदस्य बने थे, और बिहार से भी बने थे, और उत्तर प्रदेश से भी बने थे, लेकिन यह उड़ीसा से एक बार भी लोकसभा का सदस्य नहीं चुने गए थे, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फोर है कि पटना के तारा मंडल में 3D डोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाई गई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाई गई है। देखिए, जो पटना का तारामंडल है, इसे आधुनिकरण के लिए कार्ल जाइज एक कंपनी है, तो कार्ल जाइज कंपनी को यह ठेका दिया है आधुनिकरण करने के लिए, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन फाइव है कि नीति आयोग द्वारा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंड को शामिल किया गया है? देखिए, नीति आयोग द्वारा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा, ये क्या आपका 10 जनवरी 2023 को ये कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। इसके तहत पूरे देश में 500 आकांक्षी प्रखंड को चुना गया है, 500 आकांक्षी प्रखंड को चुना गया है, जिसमें से बिहार का 61 प्रखंड शामिल है। इसमें आपका बिहार के 61 यानी प्रखंड शामिल है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन सिक्स है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 3 शीर्ष थानों में बिहार का कौन सा थाने को स्थान दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ये दिया अरवल महिला थाना का इसमें स्थान दिया गया है, देश के शीर्ष 3 थानों को चुना गया है। तो एक तो हो गया आपका बिहार का अरवल महिला थाना, तो दो कौन है इससे भी ध्यान दीजिए। देखिए आपका, एक है उड़ीसा, ध्यान दीजिए, उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के अस्का यानी थाने को ये आपका स्थान मिला है, अस्का उड़ीसा के गंजम जिला के अस्का थाना का स्थान मिला है। और दूसरा आपका है, एक है ये आपका है उत्तराखंड, ध्यान दीजिए, उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के वनवास थाना
वनवास थाना को स्थान दिया गया है। और तीसरा आपका है अरवल महिला थाना बिहार, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सेवन है, क्वेश्चन है कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है, यह है लखीसराय में। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एट है, क्वेश्चन आपका एट है, क्वेश्चन एट है कि किस बिहारी व्यक्ति ने तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में एक वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए होगा शालिनी कुमारी, किसने जीते, शालिनी कुमारी ने जीता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका नाइन है, क्वेश्चन है कि ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये ईशान किशन ने बनाया है, यानी वनडे में आपका यानी सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का प्रथम खिलाड़ी बने ईशान किशन बने हैं। देखिए ईशान किशन ने 126 गेंदों में वह दोहरा शतक लगाया है, 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया है। उसके साथ ही ये क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड था क्रिस गेल के पास, ये 138 गेंद में क्रिस गेल ने दोहरा शतक लगाया था, जिसका रिकॉर्ड ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर तोड़ दिया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये ईशान किशन दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था दोहरा शतक, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यदि आपको आपसे कहा जाए कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जो दोहरा शतक लगाया, तब हो जाएगा आपका शुभम गिल ने भी दोहरा शतक लगाया है। ये आपका सबसे युवा यानी सबसे कम एज में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बना है कौन, तो शुभम गिल। लेकिन कहा जाए कि सबसे तेज दोहरा शतक कौन लगाए, तो ये ईशान किशन लगाया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये पूरे विश्व में ध्यान रखिए, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनाए ईशान किशन, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टेन है, क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ये किया आपका बद्री नारायण को, किसे किया है, बद्री नारायण को सम्मानित किया है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि किस बिहारी लड़की ने 9 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और ब्लैक स्टोन पिक दोनों पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया लक्ष्मी झा, ऑप्शन सी होगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि गायिका मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये बिहार पर्यटन विभाग के भी बनी है और बिहार खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और बिहार पर्यटन विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये आपका भारतीय चुनाव आयोग के बिहार स्टेट आइकॉन भी बना है मैथिली ठाकुर, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन है कि बिहार सरस मेला 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये क्या जीविका द्वारा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि एएसआई ने बिहार में कितने संरक्षित स्मारकों को G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से रोशन किया है, ऑप्शन आपका ए होगा 8, यानी 8 ऐसे संरक्षित स्मारक है जिसे G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से रोशन किया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द आर्ट नामक डाटा सेंटर किस बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है, ये किया बिहार बोर्ड द्वारा स्थापित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक क्या है, ये 35वां रैंक है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि बिहार के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजविंदर सिंह भाटी को बिहार के नए DGP बनाया गया है, इससे भी याद रखिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, ये क्या आपका NHRC का मतलब यानी भारतीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि कॉमनवेल्थ
पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीता है। 4 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीता है, ये जीता सुधा कुमारी, ऑप्शन डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन है कि किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 6 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीता है। 6 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका जगह ऑप्शन आपका ए जगह कीर्ति राज सिंह, ऑप्शन ए होगा कीर्ति राज सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो 118 है, मातृ मृत्यु दर 118 है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है कि किस बिहारी लड़की ने 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 22 को हो जाएगा ऑप्शन सी, सहनवी चौहान, किसने जीता है, सहनवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है कि देश की 50 महिला नेता के रूप में चुनी जाने वाली पहली बिहारी कौन बनी है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बनी शिल्पी सिंह, कौन बनी है, शिल्पी सिंह बनी है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर आम आदमी को 100 से 500 रुपये दंड के रूप में देना पड़ता है, यह किस अधिनियम के तहत है। आपका ऑप्शन सी होगा, नगर पालिका प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 के तहत ये यानी जुर्माना लगता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर मेला का उद्घाटन किसने किया है, ये किया तेजस्वी यादव ने, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, आपका ऑप्शन ए होगा पूर्णिया, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन है 8 नवंबर 2022 को किस बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये बनाया आपका 15वीं बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका स्थापना 2007 में किया गया था, 2007 में इसे लागू किया था बिहार सरकार ने, जबकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपका 2005 में भारत सरकार ने इसे लागू किया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मैथिली लेखक आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2002 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन है नीतीश कुमार ने बिहार के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया है, ये किया जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कह रहा है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है, तो रजत पदक मिला है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन है कि श्रेयसी सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है, ऑप्शन आपका सी हुआ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन है कि शम्स आलम ने 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते हैं, इसका जगह ऑप्शन ए 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन है वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा, तो 22 किलोमीटर हिस्सा बिहार में होगा, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है, ये मिला है कहलगांव पावर प्लांट को, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है, तो ये लिया बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में
भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन है कि भारतीय अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन हुआ है? भारतीय अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन हुआ है? ऑप्शन बी होगा 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन है कि बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, या 7 नवंबर को यानी परिणाम दिवस मनाया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 38 है, क्वेश्चन है आईआईटी पटना ने अनुसंधान विकास डिजाइन और सुरक्षा पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या आपका ऑप्शन सी होगा, NHIDCAL कंपनी से किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है, इसमें बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो इसमें बिहार का पटना जिला शामिल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन है वुमेन बियॉन्ड द लाइन पुस्तक किसने लिखी है? आपका जगह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिवदीप लांडे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो रग्बी महाअभियान की शुरुआत की है, आपका ऑप्शन ए होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन है कि बिहार के नंदन चौबे ने कनामो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, वह किस जिले से संबंधित है? ये बक्सर जिले से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट या बैस के अनुसार पटना का रैंक क्या है? तो पटना का रैंक दूसरा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत जब्त शराब की बोतलें से चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आपका ए होगा, जीविका यानी जीविका कार्यक्रम के तहत यह निर्णय लिया है, ऑप्शन आपका ए होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है, जबकि बिहार स्टेट का आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया है। यानी भारत के चुनाव आयोग ने बिहार स्टेट आइकन किसे बनाया? तो मैथिली ठाकुर को बनाया, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ट्रांसजेंडर के लिए ध्यान दीजिए, बिहार में ट्रांसजेंडर के लिए मोनिका दास को ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन आपका 47 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 73 जलाशय की समीक्षा की, यह जलाशय किस जिले में स्थित है? यह गया जिला में स्थित है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन है कि प्रोफेसर TNC और IIT पटना के अन्य 13 संकाय सदस्यों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया है, सूची किसके द्वारा बनाई गई? यह सूची बनाई आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन 49 है कि 2021-22 में कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? ये रहा आपका बिहार राज्य, यानी 2021-22 के दौरान बिहार राज्य में सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन आपका 50 है कि बिहार का पुरातत्व एटलस
पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखा आपका ऑप्शन ए होगा विवेक कुमार सिंह ने। बिहार का पुरातत्व एटलस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो विवेक कुमार सिंह ने लिखा है, ऑप्शन आपका ए होगा। तो ये था आपका यानी बिहार स्पेशल बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आज से आप बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका देखिए बीपीएससी एग्जाम में आपका करेंट अफेयर्स आपका 35 यानी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपका बिहार करेंट अफेयर का भी वेटेज अधिक रहता है, इसीलिए आप करेंट अफेयर आपका सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए आपको बिहार करेंट अफेयर के साथ साथ आपका हम नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी लेकर आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी लेकर आएंगे। देखिए आपका ये KBC नैनो का है, ये आपका KBC नैनो का ये आपका बुक का प्रैक्टिस सेट है आपका। देखिए KBC नैनो का बुक आपका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, KBC नैनो का आपका बुक बहुत ही अच्छा होता है, और इसका क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है। तब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही अच्छा सेट है, हम उसे पूरे पढ़कर देखें, उसे बनाकर देखें, इसके बाद आप लोग हम करवा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं KBC नैनो का बुक आपका बहुत अच्छा है, इसे आप बनाकर देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए आपका इसके साथ आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर है इसका हम करेंगे आपका परीक्षा मंथन, ध्यान दीजिए परीक्षा मंथन नामक एक आपका मैगजीन आता है, तो इसका हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे परीक्षा मंथन से। ये भी आपका BPSC के लिए आपका बहुत ही अच्छा बुक होता है, आप देखिए BPSC के लिए आपका यह सबसे अच्छा बुक होता है आपका परीक्षा मंथन का। तो परीक्षा मंथन का जो मैगजीन आते हैं उसका यानी आपका जितने भी इसका करेंट अफेयर है सबको आपको करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।